नो यामाबुद्धा उहाँको लिगेसी मलाई एकदमै डेन्जर लाग्छ, एकदमै एकदमै त्यो चिज भनेको चाहिँ एकदमै खतरा छैन कि हामी सबैजनाको हातमा छ होइन, हातमा सबैजनाको काँधमा छ होइन। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे रैपर के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, लेजेंड। आज नेपाली हिप हॉप या फिर हिप हॉप जिस भी मुकाम पे है और जितनी भी पॉपुलैरिटी इसे मिल रही है उसमें इस रैपर का बहुत बड़ा रोल है। तुम इमेजिन करो लाइक 2012-13 जब इंडिया में प्रॉपर हिप हॉप स्टार्ट भी नहीं हुआ था, हिप हॉप की बहुत कम ऑडियंस थी उस समय, इस आर्टिस्ट के फेसबुक पे 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स थे इनके ऑफिशियल पेज पे। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट हु इज इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल इन नेपाल, इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस आर्टिस्ट का नाम है यामाबुद्धा। ओके, सो जो लोग इंडिया से देख रहे हैं और तुम्हें यामाबुद्धा के बारे में आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड यू विल डिस्कवर अ लेजेंड टुडे। और बाकी जो नेपाल से देख रहे हैं तुम लोगों को यामाबुद्धा के बारे में सारा कुछ पता है, स्टिल तुम्हारा भाई यामाबुद्धा के ऊपर कुछ ऐसी थ्योरीज लेके आया है जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा आइडिया ना हो और जिसे सुनने के बाद यू विल बी शॉक्ड फॉर श्योर। थ्योरीज डिस्कस करने से पहले वॉच दी सॉन्ग ऑफ द डे। चले थे सरको पे देखा तो काली दिखाली, हाथों में माल डाला जो पूरा तो हुआ बेहाल, सभी जी हाँ बना माहौल में बना महाराज। अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया तो इस गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर जाके गाना चेक करना। और भाई ये कमेंट में ड्रॉप कर देना कि तुम रैपबॉट के चैनल से आए हो और रैपबॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, जाके चेक करना और भाई को सपोर्ट करना। ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट थ्योरी जो कि है हिप हॉप इज वे अहेड ऑफ देसी हिप हॉप एंड द क्रेडिट गोज टू द लेजेंडरी यामाबुद्धा। मैंने खुद हिप हॉप को बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है, लाइक अराउंड 1-2 साल पहले। स्टार्टिंग में मैंने हिप हॉप के नए आर्टिस्ट के गाने सुने, उसके बाद मैं पुराने आर्टिस्ट पे धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा और जैसे मैं हिप हॉप में पीछे जा रहा था मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली दैट blowed my mind. 2010 में यामाबुद्धा एंड हिज टीम स्टार्टेड अ बैटल रैप लीग इन नेपाल जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि उसके मिलियन में व्यूज आते थे, उसे बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सर करते थे, बहुत सारे नेपाल के लोग लाइव इवेंट अटेंड करते थे और खुद लाइव रैप बैटल देखा करते थे। और ये उस समय की बात है जब इंडिया में प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक पे 1 लाख व्यूज आ जाना बहुत बड़ी बात होती थी और नेपाल के रैप बैटल में मिलियन में व्यूज आ रहे थे। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि सीधे मौत के ऑनकोर एवीजे वो एक वीडियो में रिएक्ट कर रहे थे नेपाल के रैप बैटल में और वो बोल रहे थे कि इन वीडियोस में इतने व्यूज है कि हम पूरे देसी हिप हॉप के वीडियो के व्यूज काउंट मिला दे तो वो उसके बराबर नहीं हो पाएगा। शिट ब्रो, इट्स अ नेपाल बैटल रैप लीग, सारी देसी वो वीडियोस मिला के ना, दैट्स लेजिट। फकिंग स्कूटी अप्रिला इज स्पोंसरिंग अ बैटल लीग इन नेपाल ब्रो, हु फकिंग न्यू, दे हसलिंग ट्यूबॉग बकाडी टू, सो दे हैड टू फकिंग लिकर ब्रांड्स। और वो जो रिएक्शन वीडियो था आई थिंक 5-6 साल पुराना था, तो तुम सोच सकते हो किस लेवल की क्रेज और किस लेवल की मैग्नेस थी नेपाल के लोगों को हिप हॉप को लेके। और ये मैं 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। यामाबुद्धा जो थे वो रॉ बार्स को होस्ट किया करते थे और तुम्हारे भाई ने भी रॉ बार्स के बहुत सारे एपिसोड देखे और मैंने उस पर रिएक्शन वीडियोस भी बनाए। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि नेपाल के जो अभी टॉप रैपर्स हैं लाइक यूनिक पोएट, लौरे, साकार और बहुत सारे रैपर है वो पहले बैटल रैप किया करते थे और बैटल रैप ने उन लोगों को बहुत ज्यादा पुश दिया है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में रैप बैटल का सीन अंडरग्राउंड है और रैप बैटल की ऑडियंस भी बहुत कम है। जो इंडिया की मेन हिप हॉप ऑडियंस है वो ज्यादा सॉन्ग सुनना प्रेफर करती है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रैप बैटल्स। अगर हम बात करें डिस्ट्रैक की, प्रॉपर रैप कॉन्सर्ट की, हिप हॉप कल्चर की, जो इंडिया में अभी आ रहा है वो नेपाल में बहुत पहले आ चुका है और जिसकी वजह से ये नेपाल में हुआ है उन लोगों में से एक थे
यामाबुद्धा। यामाबुद्धा की वजह से बहुत सारे बच्चे जो उस समय रैप सुनते थे वो उनसे इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने भी रैप करना और लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया। यामाबुद्धा हमेशा से प्रॉपर हिप हॉप किया करते थे, उनके ट्रैक्स में मैसेज होता था, उनके ट्रैक्स नेपाली सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है उनको बताते थे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ड्रग्स और बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम पे उन्होंने गाने बनाए हैं। तो हम इस कंक्लूजन में आ सकते हैं कि आज नेपाली हिप हॉप या फिर हिप हॉप जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है और जितने भी अच्छे रैपर हर साल हिप हॉप सीन से निकल के बाहर आ रहे हैं उसके पीछे यामाबुद्धा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकंड थ्योरी जो कि है यामाबुद्धा इज नॉट जस्ट पॉपुलर इन नेपाल, ही इज पॉपुलर इन इंडिया एज वेल। सो इंडिया में भी जितने लोग हिप हॉप को सुनते हैं और हिप हॉप को फॉलो करते हैं वो यामाबुद्धा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। मैं सिर्फ कॉमन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि इंडियन रैपर्स भी यामाबुद्धा को एडमायर करते हैं। इस वीडियो को रिसर्च के टाइम मुझे एक वीडियो मिला जिसमें कि एक लड़की इंडियन रोडीज में ऑडिशन के लिए आई होती है और जब उसके मुंह से यामाबुद्धा का नाम निकलता है तो रफ्तार जो कि वहां पे जज थे उनका रिस्पांस अमेजिंग होता है। पहले रैप सुन लेते हैं। आई कैन इवन सिंग नेपाली रैप इफ यू वांट टू। हु लाउरे? नो नो, यामाबुद्धा। ओह, आरआईपी यामाबुद्धा। ही इज अ लेजेंड एंड ही इज वन ऑफ द रीजंस दैट नेप हॉप इज ऑन द टॉप। एग्जैक्टली, ही इज अ ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड टू दैट सीन। तो तुम देख सकते हो कि इवन द बिग रैपर लाइक रफ्तार कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं यामाबुद्धा को, और जब यामाबुद्धा का नाम लिया उस लड़की ने तो उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस थी तुम उसे बिल्कुल देख सकते हो। सिर्फ रफ्तार ही नहीं, मुझे एक और वीडियो मिला जिसमें कि इंडिया के बेस्ट डुओ सीधे मौत अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव थे और वो डिस्कस कर रहे थे यामाबुद्धा के बारे में। Then, उस टाइम आई गॉट टू नो कि ही इज इन एलए और अपनी एल्बम पे काम कर रहे हो वहां पे, एंड अ न्यूज़ जस्ट ब्रोक दैट ही फाउंड लाइक न्यूज़ आई कि ही वाज फाउंड डेड apparently suicide but speculations the ki murder views pe kuch so that's fucking sad bro, he was in the middle of making his album, most of his songs were completed, after that his producer put these songs out, so I was waiting for this song jab wo nikla maine like I was one of the first to fucking rush there aur jab maine gana suna meri gaand phat gayi bhai, ek level dekh rahe ho us bande ka 4-5 saal pehle, Yamabuddha king of Nepali hip hop। So this proves Yamabuddha has inspired lot of people, not only in Nepal, in India as well. Let's move to our third theory, जो कि थोड़ा interesting है, and the third theory is Yamabuddha and Snoop Dogg were about to do a collaboration. While doing research for this video, मुझे internet पे एक article मिला, जहाँ पे लिखा हुआ था कि Yamabuddha was about to do collaboration with Snoop Dogg and Redhead, जो कि एक American rapper है, in 2017. पर unfortunately उसी साल उनकी death हो गई और ये collaboration कभी नहीं आ पाया। तुम खुद सोचो कि किसी hip hop के artist के लिए Snoop Dogg के साथ collaboration करना कितनी बड़ी बात होती, वो भी 2017 में जब international collaboration उतना ज़्यादा popular भी नहीं था, ना ही नेपाल में और इंडिया में। और अगर अभी Yamabuddha जिंदा होते तो उनका collaboration सिर्फ Snoop Dogg के साथ नहीं, अमेरिका के और भी रैपर के साथ देखते और उनका कोलैबोरेशन इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ भी आता। जितने भी लोग इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, यामाबुद्धा ने नेहा कक्कड़ के साथ भी कोलैबोरेशन करके एक ट्रैक बनाया है। ओके, लेट्स मूव टू आवर लास्ट थ्योरी जो कि मेरी ओपिनियन है ऑन यामाबुद्धा। यामाबुद्धा इज ए लेजेंड, यामाबुद्धा इज ए गोट, यामाबुद्धा इज इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल। 2014 में जब मैंने रैप करना स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि मैंने यामाबुद्धा के साथी के बीट पे अपने कॉलेज में रैप परफॉर्म किया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो यामाबुद्धा का रैप बीट है। फिर मैंने जब बाद में यामाबुद्धा को डिस्कवर किया देन आई रियलाइज कि मैंने बहुत पहले यामाबुद्धा के इंस्ट्रूमेंटल पे रैप परफॉर्म किया था। यामाबुद्धा मे हैव डाइड पर जो ट्रू हिप हॉप लिसनर है उसके लिए यामाबुद्धा कभी नहीं मर सकते। अगर तुम अभी भी यामाबुद्धा के ट्रैक सुनोगे वो इतना फ्रेश साउंड करता है, इतना न्यू साउंड करता है, ऐसा लगता है कि वो अभी ही बनाया गया है। और अभी भी जब मैं यामाबुद्धा के गाने सुनता हूं या फिर उनके गाने के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाता हूं तो ऐसा लगता है कि ही इज विद अस, ही इज स्टिल गाइडिंग अस, वो अपने गाने से हमें अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमें अभी भी इंस्पायर कर रहे हैं। एंड फॉर मी ही कैन नेवर डाई, ही इज अलाइव थ्रू हिज सॉन्ग्स, थ्रू हिज म्यूजिक। ओके, सो दिस वाज सम थ्योरीज ऑन यामाबुद्धा। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम्हारे पास कुछ और आइडियाज है, तुम्हें कुछ और आर्टिस्ट के ऊपर कंस्पिरेसी वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, मैं आर्टिस्ट के ऊपर कंस्पिरेसी वीडियो ले आऊंगा। मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ ट्रिपल एक्स पे या जूस वर्ल्ड पे कंस्पिरेसी वीडियो लाऊं, तो अगर तुम्हें चाहिए उनके ऊपर वीडियो तो नीचे कमेंट करके बताना। और बाकी अगर तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें मुझसे बात करना है मुझे तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।